बसमीम स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम आज हम पढ़ेंगे फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसिटिक एसिड फिज़िकल करेक्टरस्टिक्स ऑफ द एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड की खूबियाँ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ नंबर वन एसिटिक एसिड इज़ अ कलरलेस लिक्विड विद द बॉइलिंग पॉइंट वन एटीन डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि एसिटिक एसिड एक कलरलेस लिक्विड है और इसका बॉइलिंग पॉइंट वन एटीन डिग्री सेंटीग्रेड है नंबर दो इट हैज़ अ स्ट्रांग विनिंगर उडर एंड अ सॉल्ट टेस्ट इट हैज़ स्ट्रांग विनिंग विनिगर उडर एंड सॉल्ट टेस्ट इससे तेज़ सिरके जैसी बू आती है और जैका इसका खट्टा होता है सारे ही एसिड जैके में खट्टे होते हैं द प्योर इस्टिक एसिड फ्रीजेस टू एन आइस लाइक सालिड एट सेवनटीन डिग्री सेंटीग्रेड प्योर स्टेक एसड सेवनटीन डिग्री पे फ्रीज हो जाता है और लुक्स लाइक एन आइस लाइक और बर्फ़ बर्फ़ की तरह दिखाई देता है देर फॉर इट इज़ कॉल्ड ग्लेशियल स्टेक एसड बायदा ये शार्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में कि वट इज़ गल स्टेक एसड तो यही इसका जवाब है कि प्योर एस्टिकसड फ्रीजिज़ टू एन आइस लाइक सैलड एट सेवनटीन डिग्री सेंटीग्रेड

अब नेक्स्ट है यूजेज ऑफ स्टिक एसिड स्टिक एसिड के यूज लिखा हुआ है एज आ कोगुलेंट फॉर लेटेक्स इन द रबर इंडस्ट्री कोगुलेंट जमाने के लिए रबर इंडस्ट्री में रबर लेटेक्स को जमाने के लिए नंबर दो इन द मैनुफेक्चर ऑफ प्लास्टिक्स कौन कौन सी प्लास्टिक्स पॉलीविनाइल एसीटेट दूसरा रेहान ये क्या होता है सेलुलोज एसीटेट एंड सिल्क रेशम इन मेडिसन एसिड मेडिसन में भी इस्तेमाल होता है दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है एज अ लोकल इरीटेंट नेक्स्ट एज अ सॉल्वेंट इन द लेबॉर्ट्री फॉर कैरियंग आउट रिएक्शंस लेबॉर्ट्री में रिएक्शन कैरी करने के लिए बतौर सॉल्वेंट भी इस्तेमाल होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पिकल्स पिकल कहते हैं अचार को अचार में ये इसे बतौर प्रिजर्वेटिव डालते हैं नेक्स्ट ये द मैनुफेक्चर ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक एसीटोन एसीटेट्स एंड एस्टर्स जी बच्चों चैप्टर हो गया पूरा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चैप्टर ख़त्म हो गया इसका क्वेश्चन नंबर वन है इसके कुछ ब्लैंक्स हैं सिलेबस में तो ये तस्वीर आपको नज़र आ रही फार्मूला एसिड इज़ ये नज़र आ रहा है। मैंने लिख दिया है फार्मूला हम मिलाने सर नंबर दो तो, मिथाइल नाइट्राइल यानी कि मिथाइल सा नाइट अपान एसडिकलिस प्रोड्यूसेस तो जवाब बनता है एसिटिक एसड एस्ट। कार्बॉक्सलिक एसड नहीं उसने मिथाइल लिखा है अल्काइल नहीं लिखा मिथाइल नाइट्राइल अपान एसडिक हाइड्रलिसिस प्रोड्यूस एसेटिक एसड तीसरा ब्लैंक बेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द कार्बॉक्सलिक एसड्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आर हायर जो आप कहेगा हायर या ग्रेटर दैन द नेक्स्ट लोअर एंड हायर मेम्बर्स कंटेनिंग ऑर्ड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स नेक्स्ट एस्टिक एसिड ऑन हीटिंग विद डैश डैश में आएगा फासफोरस पेंटा ऑक्साइड यानी कि पी टू ओ फाइव फासफोरस पेंटा ऑक्साइड प्रोड्यूस एसटिक एंड हाइड्राइट नेक्स्ट एसिड क्लोराइड एंड एसिड एंड हाइड्राइड आर कॉल्ड डैश ऑफ एसिड डैश में आएगा डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड आखिरी प्योर एस्टिक एसिड इज कॉल्ड वही जो पहले हम पीछे पढ़े हैं प्योर प्योर एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एस्टिक एसिड क्या जवाब है ग्लेशियल एस्टिक एसिड क्वेश्चन नंबर दो के कुछ ट्रू फॉल्स स्मार्ट सिलेबस में नंबर वन एस्टिकसड एग्जिस्ट एज आ डाइमर इन पेंजीन हाँ डाइमर होता है ट्रू है बल्कि साइक्लिक डाइमर होता है बहरहाल ये ट्रू है फर्स्ट थ्री एलिफेटिक एसड्स है फ्रूटी स्मेल नहीं इनकी फ्रूटी स्मेल नहीं होती गलत है फॉल्स है पंजट स्मेल होती है कार्बासलिक एसड और रिडक्शन विद लिथियम एलोमीनियम हाइड्राइड कार्बाक्सलिक एसडस ऑन रिडक्शन विद एलोमियम लियम एलोनीयम हाइड्राइड प्रोड्यूस अल्किस फॉल्स है अल्किस नहीं बनती अल्कोहल बनता है गलत हो गया नेक्स्ट एस्टिक एसिड ऑन डीहाइड्रेशन प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन ये भी फॉल्स है एसिटिक एंड हाइड्रेड बनता है ये गलत हो गया आखिरी सोडियम फार्मेट ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम सोडियम फार्मेट ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम प्रोड्यूस सोडियम बाई कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन ये फॉल्स है सोडियम बाई कार्बोनेट नहीं बनता सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोन बनती है बहरहाल ये ओवरऑल गलत हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री एम सी क्यूज एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाई तो जवाब है इसका फर्मेंटेशन दूसरा कार्बाक्सलिक एसिड कंटेन्स तो जवाब है इसका कार्बाक्सल ग्रुप बी ऑप्शन है तीसरा एम सीखो विच एसिड इज यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर मसनोईदा का तो जवाब है इसका एसिटिक एसिड डी ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेरीवेटिवस कैन नॉट बी डायरेक्टली परिपेयर डायरेक्टलीटिक एसिड तो जवाब है इसका ए इसट अमाइट कौन सा जवाब है एसट अमाइट पाँचवा एम सीखो विच रिएजेंट इज यूज टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू तो अल्कोहल, विच रिएजेंट इज यूज टू तो रिड्यूस कार्बोक्सलिक ग्रुप टू तो अल्कोहल तो जवाब डी ऑप्शन है लिथियम एलोमिनियम हाइड्राइड लिथियम एलोमिनियम हाइड्राइड नेक्स्ट एम सीखो द सॉल्यूशन ऑफ विच एसिड द सोलूशन ऑफ विच एसिड इज यूज फॉर द सीजनिंग ऑफ फूड सीजनिंग मीन लजीज बनाना खुश जैका बनाना तो जवाब है बी एसिटिक एसिड एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनीगर सिरके की शक्ल में नेक्स्ट टाइम सीखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्स एंड वाई ये रिएक्टेंट हैं रिएक्ट टूगेदर टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड जी जी प्रोडक्ट है वट टाइप ऑफ कंपाउंड्स कैन एक्स वाई एंड जी बी तो डी ऑप्शन है आखिरी अल्कोहल प्लस एसड यह रिएक्टेंट होंगे और एस्टर प्रोडक्ट होगा आठवा एमसीक्यू तो इसका जो आप डी ऑप्शन है सी आई थ्री सी आई टू सी डबल ओ एच सेकेंड लास्ट एम सिकू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैटी एसिड तो ये सी ऑप्शन जो थैलिक एसिड है वो फैटी एसिड नहीं है एसिड तो वो है लेकिन वो फैटी एसिड नहीं है फैटी एसिड होने के लिए दो शर्तें हैं कि एलिफेटिक होना चाहिए और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए तो थैलिक एसड ना तो एलिफेटिक है बल्कि एरोमेटिक है और ना ही मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है बल्कि डाई एसिड है लास्ट एम सी क्यू एसट अमाइड इज प्रिपेयर्ड बाय एसिट अमाइड इज प्रिपेयर्ड बाय ए ऑप्शन जवाब है हीटिंग अमोनियम एसीटेट हीटिंग अमोनियम एसीटेट तो बच्चों इनको भी आपने याद करना है एम सी क्यूज को वन टू थ्री वाले तो ये ब्लैक में एम सी को बन जाता है ट्रू आल भी एम सी को बन जाता है एम सी क्यू तो एम सी क्यू है ये तो इसे याद रखना और ये आज का हमारा लेक्चर है अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना अस्सलाम वालेकुम